हाय फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी सी रेसिपी लेकर हाजिर हुई। ये रेसिपी तो हर किसी को पसंद आती है, मुझे तो बहुत पसंद है। तो आज मैं आप लोगों के लिए मिक्स वेजिटेबल चिकन फ्राइड राइस की रेसिपी लेकर हाजिर हुई और बहुत इजी तरीके से रेस्टोरेंट स्टाइल बनाकर दिखलाऊंगी। अगर आपको पसंद नहीं है तो आप वेजिटेबल मत ऐड करें, सिर्फ चिकन में बनाएं। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से बनाई हूँ, क्या इंग्रेडिएंट्स लगी है। बिना टाइम वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ चिकन मिक्स वेजिटेबल फ्राइड राइस बना रही हूँ मैं। फ्राइड राइस बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, यहाँ मैं एक बारीक प्याज कट करके रखी हूँ, एक छोटी चम्मच बारीक कटी हुई लहसुन है, और यहाँ हाफ कप गाजर और फ्रेंच बीन्स है, इसे मैं हल्का सा बॉयल कर दी हूँ, और यहाँ हाफ कप शिमला मिर्च को कट करके रखी हूँ, और यहाँ दो मिर्च काट करके रखी हूँ। आप इसे नहीं भी डाल सकते लेकिन मैं टेस्ट के लिए डाल रही हूँ। दो अंडा ली हूँ, और यहाँ 200 ग्राम मैं चावल ली हूँ, इसे 95% पका कर रख ली। ज़रा सा चावल टाइट ही होना चाहिए, तो मैं यहाँ पहले से इसे रेडी करके रखी हूँ। और यहाँ एक बड़ी कप मैं चिकन को अच्छे से बॉयल कर ली हूँ, इसमें एक पिंच मैं नमक डाली हूँ, और डालने के बाद बॉयल करके इसे कट कर ली हूँ। और यहाँ हाफ छोटी चम्मच सोया सॉस है, एक छोटी चम्मच सेजवान सॉस है, और यहाँ हाफ छोटी चम्मच विनेगर है, और यहाँ हाफ छोटी चम्मच नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से रखें। यहाँ हाफ छोटी चम्मच सादी मिर्च है, और यहाँ हाफ छोटी चम्मच काली मिर्च है। चलिए बनाना शुरू करती हूँ। अंडे की भुजिया बनाने के लिए मैं यहाँ 3 बड़ी चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल दी हूँ, इसे अच्छे से गर्म कर लूँगी। इसके अंदर अंडे को तोड़कर डाल दूँगी। हाँ, मैं अंडे को अच्छे से डाल दी हूँ। इसमें ज़रा सा नमक डाल दूँगी टेस्ट के लिए, और ज़रा सा काली मिर्च डाल दूँगी, आप नहीं भी डाल सकते हैं। और इसके बाद इसे अच्छे से तोड़कर इसकी भुजिया बना लूँगी। चलिए मैं हाई फ्लेम पर इसे बना लेती हूँ। मैं अंडे की भुजी को तैयार करके निकाल ली हूँ, उसे बाद में ऐड करूँगी। मैं 3 बड़ी चम्मच रिफाइंड ऑयल डाली हूँ, और 1 बड़ी चम्मच यहाँ पर मक्खन डाल रही हूँ, और इसके अंदर कटी हुई लहसुन को डाल दूँगी। यहाँ मैं लहसुन को डाल दी हूँ, फ्लेम को हाई रखती हूँ। 1 मिनट हाई फ्लेम पर इसे अच्छे से सौटे करूँगी। इसके बाद इसके अंदर प्याज को डाल दूँगी। यहाँ मैं प्याज को डाल दी और हाई फ्लेम पर इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। यहाँ मैं रेस्टोरेंट स्टाइल बहुत इजी तरीके से बनाना बता रही हूँ। आप इसमें बटर नहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं अच्छे टेस्ट के लिए डाल दूँ, बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं डाल दी हूँ। और इसे अच्छे से फ्राई कर लूँगी। इसके बाद इसके अंदर वेजिटेबल ऐड करूँगी। यहाँ प्याज को इतनी ही फ्राई करना है, बादामी रंग करना है, सिर्फ इसके कच्चेपन को दूर करना था। और इसके अंदर मैं सारे वेजिटेबल को डाल दूँगी। आप चाहें तो यहाँ पर कैबेज को भी डाल सकते हैं, जो आपकी पसंद की सब्ज़ियाँ हों उसे डालें। और डालने के बाद इसे हाई फ्लेम पर मैं अच्छे से फ्राई करूँगी, ताकि क्रंची कढ़ाई से टेस्ट आ जाए और सब्ज़ियाँ भी गल जाएँ। तो इसे मैं हाई फ्लेम पर फ्राई कर ले रही हूँ। 1 मिनट हो चुका है, इस साथ में ही मैं यहाँ चिकन भी डाल दे रही हूँ, ताकि चिकन भी काफ़ी अच्छे से फ्राई हो जाए। और इसे दोनों को मिलाकर मैं फ्राई करूँगी, एक क्रंची सा टेस्ट आना चाहिए, चिकन पे अच्छे से कलर आ जाए, उस वक्त तक इसे फ्राई करूँगी। आप रेस्टोरेंट वगैरह में खाते हैं, करारापन सी लगती है वेजिटेबल खाने में, चिकन को खाने में क्रंची सा टेस्ट आता है, वो आएगा। इसे हाई फ्लेम पर मैं फ्राई कर लूँगी, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट लगेंगे इसे फ्राई करने में। यहाँ 3 मिनट हो गया है, देखिए काफ़ी अच्छे से चिकन के ऊपर एक अच्छा सा कलर आ गया, आपको पास से लेकर दिखला रही हूँ, बस इतना ही चाहिए। अब इसके अंदर मैं सारे पाउडर मसाले और नमक को डाल दूँगी, सादी मिर्च काली मिर्च, और इसे अच्छे से मिक्स कर दूँगी। फ्लेम को यहाँ मैं हाई रखी हूँ, हाई फ्लेम पर ही मिक्स करना है। और साथ में ही मैं इसके अंदर सेजवान सॉस भी डाल दूँगी। यहाँ मैं अभी आधी चम्मच ऐड कर रही हूँ, और बाद में डालूँगी चावल डालने के वक्त, और इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। बहुत इजी तरीके से बनाना बता रही हूँ, तो आप ज़रूर बनाएं, मुझे कमेंट करें, बहुत अच्छी लगती है ये रेसिपी, बहुत इजी भी है। आप चाहें तो वेजिटेबल नहीं भी ऐड कर सकते हैं, सिंपल चिकन डालकर भी बना सकते हैं, लेकिन मैं वेजिटेबल के साथ बना रही हूँ। चावल डाल दूँगी, और डालने के बाद हाई फ्लेम ही रखती हूँ, हाई फ्लेम पर इसे अच्छे से चलाती रहूँगी। हाँ देखिए, काफ़ी अच्छे से मिक्स करना, बहुत ज़्यादा मिक्स करना, नहीं तो चावल टूट जाएंगे, इस बात का भी ध्यान रखना है। और साथ में ही मैं यहाँ पर सोया सॉस डाल दे रही हूँ, और यहाँ विनेगर को भी डाल दूँगी मैं, और साथ में ही यहाँ अंडे को भी डाल दूँगी, और इसे अच्छे से मैं मिक्स कर ले रही हूँ। फ्लेम को हाई रखनी है, हाई फ्लेम पर इसे मिक्स करना है, तो जल्दी से मैं मिक्स कर ले रही हूँ। और यहाँ जो हाफ चम्मच सेजवान सॉस बची हुई है, इसे भी मैं ऐड कर दे रही हूँ, इसमें ही डाल दे रही हूँ। और डालने के बाद इसे अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी,
बस ये तैयार ही है, लेकिन हाई फ्लेम पर ही इसे फ्राई करना है। अच्छे से मैं इसे मिक्स कर ले रही हूँ, फ्लेम को हाई रखी हूँ। यहाँ मिक्स वेजिटेबल चिकन फ्राइड राइस बनकर बिल्कुल तैयार है, बहुत इजी तरीके से बनाई हूँ, तो आप इसे ज़रूर बनाएं। तो चलिए इसे जल्दी से मैं डिसआउट कर लेती हूँ। फ्लेम यहाँ मिक्स चिकन फ्राइड राइस बनकर बिल्कुल तैयार है, रेस्टोरेंट स्टाइल, बहुत इजी तरीके से बनाई हूँ, आपको पास से ले चल के दिखला रही हूँ। एक एक दाने में यमी सा टेस्ट है, कोई दाना देखिए टूटा हुआ नहीं है, इतने अच्छे से मैं फ्राई की हूँ। चावल को आप जब भी पकाएं और चिकन को 95% ही पकाएं, 5% फ्राई करने में ही ये पक जाती है, बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल है, टेस्ट में कोई कमी नहीं है। तो आप मेरे कहने पे इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें, उसके बाद मुझे कमेंट करें। बहुत इजी सी रेसिपी, यम्मी सी रेसिपी, ये रेसिपी हर किसी को पसंद आती है। तो मेरी ये रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। हाँ, सब्सक्राइब करना प्लीज़ मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।